नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पल्लवी। बाजार में बढ़त है, शुरुआती गेन्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है बाजार। निफ्टी की बात करें तो ये हाईस के आसपास है, 9138 का लेवल फिलहाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में भी आधा फीसदी की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आज देखें सेक्टर्स जहां पर सबसे ज्यादा बाइंग है, तो आज मेटल्स काफी शाइन कर रहे हैं। इंडेक्स ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है। साथ ही आज बाइंग देखने को मिल रही है रियल्टी स्पेस में, 1% की बढ़त इंडेक्स में बनी हुई है। ऑटो, बैंक्स, एफएमसीजी सभी में आज खरीदारी, यानी कि कह सकते हैं कि चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। एक बार मिड कैप्स का भी हाल ले लेते हैं। मिड कैप्स में भी आज बाइंग है, 0.25% की बढ़त इंडेक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप्स में सबसे ज्यादा बाइंग सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहां पर 5.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल वन ऑफ द टॉप गेनर्स, ऑलमोस्ट 4.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जेएमआर इंफ्रा 4% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। जी शिपिंग कुछ खबरें भी आई जिसके चलते फिलहाल 4% की बढ़त यहां पर बनी हुई है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ब्लू डाउट जैसे स्टॉक्स है जहां पर 2-2.5% की बढ़त बनी हुई है। बजाज फिनसर्व, टोरेंट पावर जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर तेजी देखने को मिले। लेकिन लूजिंग साइड की बात करें तो कुछ चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स जहां पर कमजोरी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आज 2% नीचे है आज की डेट में। साथ ही कॉनकॉर 1.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। ग्लेनमार्क, इसके अलावा सेंट्रल बैंक, यहां पर भी 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी के कुछ गेनर्स देख लेते हैं आज। ऑलमोस्ट 46 ऐसे स्टॉक्स है जो हरे निशान में, और 5 स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा मजबूती निफ्टी में आज अदानी पोर्ट्स में है, 4% ऊपर स्टॉक। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में टाटा स्टील, हिंडालको में तेजी बनी हुई, ऑलमोस्ट 3-3.5% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। बैंक से भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट 2.25% ऊपर है। निफ्टी के अगर कुछ लूजर्स की बात करें तो आज भारतीय एयरटेल में कमजोरी, ऑलमोस्ट 1% कमजोर है। साथ ही रिलायंस सुबह से एक प्रेशर के साथ ट्रेड करा, ऑलमोस्ट 0.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक यहां पर भी ऑलमोस्ट 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। आईटीसी ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन पर नजर डालें तो मार्केट ब्रेथ काफी पॉजिटिव है। डिक्लाइन रेशियो ऑलमोस्ट 382 स्टॉक्स है जहां पर यहां पर कमजोरी देखने को मिली, लेकिन एडवांसेस की साइड पर ही बाजार है, यानी कि एक अच्छा ट्रेंड। बीएसई एडवांस डिक्लाइन देखें तो यहां पर भी 900 शेयर्स है जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन 1605 स्टॉक्स है जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। बाजार के बड़े दिग्गज क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। Is that some of the large companies, heavy weight index stocks, could possibly start participating first further into the market, and that would be probably the time when one can probably count for the signs of picking out. But as of now, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कोई symptoms near future में नहीं दिख रहे। Maybe we will see something maybe at the end of the June quarter. But as of now, I think one more quarter we could see a good rally in the market. मैं ऐसा समझता हूँ कि आज की तारीख में भी इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इंडेक्स को एक बाजू पर रखते हैं बट इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ध्यान दे, तो आई थिंक समझ में आता है कि वैल्यूएशन के नज़रिए से देखो तो मेनी स्टॉक्स आर गोइंग पर्टिकुलरली वेरी वेरी अट्रैक्टिव। स्टेट बैंक की बात करें, आई थिंक विद इन द बैंकिंग स्पेस इट इज स्टिल कोटिंग एट अराउंड 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू। बजाज ऑटो जैसी कंपनी की बात करते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर, तो आई थिंक इट इज स्टिल कोटिंग एट अराउंड 14 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो। टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो करीबन 10.5-11 का प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर कंपनी आज की तारीख में भी ट्रेड कर रही है। मेरा एक पॉइंट ऐसा है कि दिस आर सम ऑफ द लार्ज कंपनीज, क्वालिटी फ्रेंचाइजीज इन देयर ओन स्पेस, एंड दिस काइंड ऑफ कंपनीज हैव स्टिल नॉट पार्टिसिपेटेड इनटू द मार्केट्स। तो देवेंद्र चौकसी को भी आपने सुना कहां पर निवेश करने की राय दे रहे हैं और फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एक बार मनपसंद बेवरेजेस को देख लेते हैं। आज ऑलमोस्ट 718 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, फूड प्रोसेसिंग स्पेस की कंपनी है। और फिलहाल हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद है, मिस्टर अभिषेक सिंह है, होल टाइम डायरेक्टर मनपसंद बेवरेजेस। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो आपका श्री सिटी प्लांट है, कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पे काम पूरा हो जाएगा और कब से प्रोडक्शन शुरू हो सकता है? अगले 12 से 18 महीनों में प्लानिंग कर प्रोडक्शन वहाँ पे चालू कर दिए जाएं पूरा सारा, और मार्केट में माल अवेलेबल कर दें पूरा। तो क्षमता क्या रह सकती है और कौन से प्रोडक्ट्स होंगे जो इस पर्टिकुलर प्लांट से आएंगे? देखिए, जो क्षमता है, दैनिक क्षमता हमारे प्लांट की रहेगी 50,000 बॉक्स। ओके जी। और ज्यादातर मतलब हम लोग यहाँ पे जो हमारा फ्रूट का ब्रांड ज्यादा वहाँ पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल जो सारी जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुए हैं तो उसको देखते हुए हम लोग ने थोड़ा फ्रूट का ब्रांड के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है वहाँ पे।
इनफैक्ट सर, जो रिसेंट बैन हुआ है कोला पर, उसको लेकर हम आपसे एक प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बैन हुआ है, कितना मार्केट शेयर आपको लगता है इससे आप गेन कर पाएंगे, खासतौर पर तमिलनाडु में? देखिए, सबसे पहले तो दो तीन कंपनियों को साइडलाइन कर देना, ये सबसे पहले तो ये सही स्टेप नहीं है, इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद चीज नहीं है। लेकिन सेम टाइम में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो 15-16 दुकानदारों ने साथ में जो बैठ के जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन की भी कहीं ना कहीं पूरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए जी। और मार्केट में जो इतना बड़ा जो वैक्यूम क्रिएट होगा कार्बोनेटेड प्रोडक्ट का, तो मनपसंद के पास जो क्षमता है, दैनिक क्षमता है, इस मार्केट को पूरे तरीके से हम फीड कर पाए, क्योंकि हमारे पास लगभग जब हमारे सारे प्लांट्स ऑपरेशन हो जाएंगे, हमारे खुद के 9 फैक्ट्रियां हो जाएंगी जी। लेकिन आपको लगता है कि ये जो जिस तरह से डिसीजन लिया गया इंडस्ट्री के लिहाज से, ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है? इंडस्ट्री के लिए ये बहुत पॉजिटिव डिसीजन नहीं है। सर, जैसे आपने कहा कि इस प्लांट की शुरुआत के साथ 9 टोटल प्लांट्स हो जाएंगे, अगर ज्योग्राफिकल मिक्स की हम बात करें, फिलहाल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है कंपनी का सदर्न मार्केट्स में टोटल सेल्स के अंदर? देखिए, अभी तो हम लोग ने साउथ मार्केट को हाल ही में एक्सप्लोर करना चालू किया है, अभी तो हमारी खाली अभी शुरुआत हुई है। लेकिन जिस हिसाब से पिछले 2-3 महीने में हम लोग ने अपना नेटवर्क बढ़ाया है, स्पेशली तमिलनाडु में, केरला में जी, तो हमको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में वहाँ पे सीजनलिटी बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मानसून नहीं पड़ता है, बहुत ठंड नहीं पड़ती है वहाँ पे साउथ में, तो ये सब सारी चीजें देखते हुए हम बहुत उत्साहित है कि चलिए वहाँ के मार्केट से हमको काफी अच्छी रिस्पॉन्स आने वाली है, और काफी अच्छा शेयर भी साउथ मार्केट का हमारे ओवरऑल टर्नओवर में होने वाला है। पर अगर सर नंबर्स में बात करें, अगर आप कंफर्टेबल है शेयर करने में कि रेवेन्यू के लिहाज से कितना कह सकते हैं कि इस बैंड के बाद कितना रेवेन्यू जनरेशन होगा, कितना इजाफा आप देख रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स में? देखिए, अगर मैं बैंड को एक बार साइड में छोड़ दूं, तो जो मेरा जो प्लांट है श्री सिटी का, उसका वार्षिक मेरे हिसाब से जो हम लोगों ने अनुमान लगाया है, लगभग 250-350 करोड़ रुपए का बिजनेस हम लोग उस प्लान से जनरेट कर पाएंगे। तो एक साल में इतना बिजनेस हम देख सकते हैं वहां से, उस मार्केट से।